नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी में हूँ आपके साथ विकास महल और इस समय मौजूद है करनाल के कल्पना चावला के मोर्चरी हाउस में, जहाँ पर हम आपको बता दें कि कल करनाल के नीलोखेड़ी में एक दर्दनाक हादसा हुआ था जिसमें एक परिवार पर एक जो सर फिरे युवक के द्वारा उस पर गाड़ी चढ़ा दी गई थी और परिवार के दो लोगों की उसमें मौत हो गई थी। और उसके बाद जो करनाल के जो मोर्चरी हाउस के बाहर लोग धरना देकर बैठ चुके हैं, परिवार के लोग धरना देकर बैठ चुके हैं और उनकी मांग है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती और उन्हें मुआवजा नहीं दिया जाता तब तक यहाँ पर बैठे रहेंगे और इसी प्रकार से धरना चलेगा। अभी लाइव तस्वीरें करनाल के कल्पना चावला के मोर्चरी हाउस के बाहर से देख रहे हैं, जहाँ पर जो परिवार के लोग धरना देकर बैठे हुए और अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। हालांकि करनाल के SP गंगाराम पुनिया की तरफ से 5 टीमों का गठन जरूर कर दिया गया और धरपकड़ के लिए जो टीमें लगा दी गई हैं तो और पुलिस की तरफ से आश्वासन दिया जा रहा है कि जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। और ये लाइव तस्वीर आप करनाल के कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल से देख रहे हैं। देखिए, कल जैसे ही सूचना मिली थी तुरंत मौके पर पुलिस पहुंच गई थी और मैं खुद भी मौके पहुंचा था। ESP मैडम भी हमारी मौके पर आ गई थी, SP साहब भी खुद मौके पर मुलाजा किया उन्होंने और CIA की हमारी सारी CIA टीमें और जिला से 5-6 टीमें इसके पीछे लगा रखी हैं। देर रात तक भी उन लोगों की हम तलाश करते रहे और इस संबंध में पूछताछ के लिए कई आदमियों से हमने पूछताछ के लिए राउंड अप भी किया है और आरोपियों को गिरफ्तार करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। आरोपियों को शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। इनकी मांगों के लिए भी जो इन लोगों की मांग है SP साहब खुद इंटरेस्ट लेके DC साहब से इनका कंसेशन का जितना भी इनका लिए रायत होगी वो पूरी की जा रही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल व्यवस्था सारी की जा रही है और जो घायल हैं उनके उपचार के लिए। ये पता चला सर जानबूझ की गाड़ी चलाई उसने? जी देखो, बिल्कुल उन्होंने जानबूझ के इन लोगों को टक्कर मारी है और बहुत ही गलत काम उसने किया है, उसको सख्त से ज्यादा दिलवाने का प्रावधान शिकायत की थी, इसलिए उसने कैसा किया? वो उसी को टोका था, भाई आप गलत गाड़ी ना चलाओ, लेकिन इस बात को उसको अच्छा नहीं लगा और उन्होंने गुस्से में आगे इन गरीब आदमी के ऊपर गाड़ी चढ़ाई और बहुत बुरी घटना हुई। आरोपी अभी गिरफ्त से बाहर है लेकिन उसको आरोपी बनाए गए पूरा पूरा उसमें लड़का अमन और उसका पिताजी है बलविंदर, दोनों के बाइने में FIR दर्ज है और उनको गिरफ्तार करने का पूरा प्रयास। सरकारी नौकरी में है? पिता की जी प्राइवेट नौकरी में। तो जांच अधिकारी हमारे साथ मौजूद थे, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द जो आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा और उनके लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। तो लाइव तस्वीर आप करनाल की कल्पना चावला मोर्चरी हाउस से देख रहे हैं, जहां पर परिवार लगातार अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं जो पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द आरोपियों को फिलहाल पकड़ लिया जाएगा, लेकिन जो फिलहाल आरोपी है जो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ये लाइव तस्वीर आप करनाल से देख रहे हैं। करनाल से विकास महला, पंजाब केसरी TV, करनाल।